टिकैत गुट भी इसी में है, भानु प्रताप भी ये बता रहे हैं इसी में आया, बीएम भी इसी में आया। अच्छा। किसी ने 25,000 रुपए लिए, किसी ने 50,000 रुपए लिए। आज जी सर क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार है। अच्छा जी, आज आप यहाँ जो आए हैं उसमें क्या मामला है? ये मामला बैंक द्वारा जो इन किसानों के खाते से पैसा निकाल लिया गया है उसको लेकर हमें 3 महीने हो गए और 3 महीने से निरंतर लड़ाई चल रही है और हमें आश्वासन भी दिया। पहली हमारी मीटिंग थी 25 अप्रैल थी, उसके बाद में हमसे 10 मई मांगी एसडीएम साहब ने। हम 10 मई को गए तो उन्होंने हमें कोई खास इतना वो नहीं दिया जो हमारे साथ में उन्होंने छल किया, लेकिन उसके बाद में फिर भी हमने विश्वास करा अधिकारियों पर, लेकिन कोई अधिकारी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं आया जिसने किसानों के लिए कोई ऐसी बात कही हो कि भाई तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। रही बात जिस बैंक में से जिस कैशियर ने पैसे निकाले उसके साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप उसके यहाँ पहुँचे हो? हाँ, हम नहीं गए, हम नहीं गए, हमारे ये लोग गए हैं। हमारा मतलब नहीं था, हमारा मतलब है हमने पैसे बैंक को दिए तो हम पैसे लेंगे बैंक से, और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँच गई कि आज बैंक में हमें ताला लगाना पड़ा, और ये ताला तब खुलेगा जब इनके खातों में पैसे आ जाएंगे, नहीं तो ये ताला नहीं खुलेगा। चाहे लड़ाई यहाँ से लखनऊ तक लड़ी जाए या इससे आगे तक जहाँ तक भी है, दम जब लेंगे जब इनके खातों में पैसे आ जाएंगे। इसमें कुछ संगठन इस तरह के आए हैं, इन लोगों से पैसे ठग लिए, जो पैसे ले गया निकाल गए उससे भी पैसे ठग लिए, लेकिन हमने कसम खाई इन सब लोगों के बीच में बैठा गए कि आपका एक एक पैसा उठ दिलवाएंगे हम और आप खाना खिलाओगे खाएंगे नहीं। अच्छा, वो जो संगठन आए ऐसे वो कौन संगठन थे? अब ऐसा तो मुझे पता नहीं, अभी हमसे पहले उन्होंने एक मीटिंग करी, मैंने यानी उनका पूरा खर्चा उठाया। कौन कौन से थे? बट कैच गुट भी इसी में है, भानु प्रताप भी ये बता रहे हैं इसी में आया, बीएम भी इसी में आया। अच्छा। किसी ने 25,000 रुपए लिए, किसी ने 50,000 रुपए लिए। आज तुम यहीं का देख लो प्रयागराज का, जब हमारी 25 तारीख की मीटिंग रखी गई थी तो टिकट वालों को दलाली करने के लिए प्रयागराज में आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। हमने जब 2 तारीख अपनी तहसील की रखी तो इन्होंने 8 दिन पहले हमारा चांदपुर में धरना लगाया, लेकिन किसी से जब कोई संशोधन नहीं हो पाया तो हमने 2 तारीख की मीटिंग में ही रोस्टर बनवा के ब्लॉक अध्यक्षों के हाथ में दिए एसडीएम साहब ने। इस बैंक की बात थी, ये हमसे लगातार बात करते चले गए। 20 दिन का इनने वायदा किया था कि 20 दिन के अंदर मैं पैसा इनके खातों में डलवाना शुरू करूंगा। यहाँ कुछ दलालों ने अपना वो बना के और इस पर इन लोगों पर कब्जा करना चाहा, इन 15 करोड़ रुपए के किसानों को बेच देना चाहा कि हम दिलवाएंगे, उन्हें शांति देते रहे, लेकिन हमने ये बात कह दी थी कि हम जिस दिन बैठेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आपका एक एक पैसा दिलवाएंगे, आपसे 1 रुपए की हमें जरूरत है। अब जो आपको उम्मीद है तो कुछ शासन प्रशासन या बैंक अधिकारियों से कुछ आपको आश्वासन कुछ उम्मीद है? अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है, अगर हमें उम्मीद होती तो हमें ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। अभी तक किसी बैंक अधिकारी का कोई फोन नहीं आया, कोई सक्षम अधिकारी आता इनको समझाता कि भाई आपका पैसा तुरंत 1-2 दिन में डल जाएगा तो हमें क्या जरूरत है बैंक में ताला लगाने की। अच्छा, ये तालाबंदी और आपका ये आंदोलन ये कब तक रहेगा? इसका हमारे ये अनिश्चितकालीन है, जब तक इनका पैसा नहीं पड़ेगा जब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जय जवान जय किसान। ने देखा और सुना कि यहाँ किसान लोग कितने उग्र हैं और अपनी मांग पर अड़ गए हैं और अनिश्चितकालीन इन्होंने धरना और तालाबंदी यहाँ शुरू कर दी है, और जिसमें आपने देखा सुना कि इन नेताओं की जो अराजनीतिक हमारी भारतीय किसान यूनियन है उनके नेता कुछ गुटों के बारे में ये कह रहे हैं, जो किसान गुट हैं जो किसानों के नेता हैं उन्होंने कुछ पैसा यानी कि एक रिश्वत टाइप के अंदर ले करके और वो चुपचाप अपने घर बैठ गए और किसानों की लड़ाई को बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए।